हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आज मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा राग यमन के बारे में, और साथ ही साथ इस राग यमन की, इसके दो नामों से जाना जाता है ये राग। कुछ लोग राग कल्याण भी कहते हैं इसको, और कुछ लोग इसको राग यमन कहते हैं। चीज एक ही है। आज मैं इस राग की विशेष स्वर संगतियां, यानी स्पेशल जो फ्रेजेज हैं, कॉम्बिनेशंस हैं स्वरों के, वो बताऊंगा। ये आपके बहुत काम आएंगे। यदि आपने ये सीख लिया तो राग यमन को बजाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कहीं पर भी कोई भी धुन बजा सकते हैं यदि आपने विशेष स्वर संगतियां सीख लिया। पहले राग के बारे में मैं बताता हूँ। आरोह अवरोह, पकड़, न्यास के स्वर, वादी संवादी स्वर इत्यादि। दोस्तों, राग यमन अथवा राग कल्याण, ये ठाट कल्याण का राग है। इसमें मा तीव्र रहता है और सारे स्वर शुद्ध रूप में लगते हैं। इस राग का वादी स्वर गंधार होता है और संवादी स्वर निषाद होता है। राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। इसमें न्यास के स्वर सरज, गंधार, पंचम और निषाद। सबसे पहले आरोह देखें। नी रे गा मा ध नी सा। अब अवरोह देखें। सा नी द प म ग रे सा। राग की पकड़ देखें। नी रे गा रे पा रे गा रे नी रे सा। जहां आपको ये स्वर समुदाय मिल जाता है, ये फ्रेज मिल जाते हैं, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि राग यमन है। नी रे गा रे पा रे गा रे नी रे सा। इस राग के मैं कुछ विशेष 15 स्वर समुदाय ऐसे बताऊंगा, स्वर संगतियां, जो आप यदि सीख लिया तो आप राग बजा सकेंगे। आप राग यमन पर आधारित कोई भजन गीत गा रहे हो तो उसके बीच में आपको म्यूजिक बजाना बहुत सिंपल हो जाएगा। पहला फ्रेज देखें इसका, स्वर संगतियां। नंबर एक, नी रे सा, नी रे सा। दूसरा, नी रे गा। तीसरा, नी रे गा रे। चौथा देखें, मा रे गा मा पा, मा रे गा मा पा। पांचवा, मा धा पा। और छठवीं स्वर संगति है, मा धा नी। सातवीं स्वर संगति, मा धा मनी। आठवीं स्वर संगति, ग म ग। नौवीं, नी द प। दसवीं स्वर संगति, नी रे ग म रे म ग, नी रे ग म रे म ग। ग्यारहवीं स्वर संगति, ग म प रे सा, ग म प रे सा। बारहवीं स्वर संगति क्या है, नी रे ग म प। तेरह नंबर स्वर संगति, म ध नी ध प। और फोर्टींथ नंबर,
पंद्रह नंबर की स्वर संगति ग म ध नी म ध नी और पंद्रह सोलह नंबर की नी ध प म ग रे सा। ये सोलह स्वर संगतियां आपके बहुत काम आएंगी। जैसे अपन कोई धुन बनाना है तो अपने पता नी रे सा नी नी रे गा नी रे सा और ये तो लोअर ऑक्टेव में भी जा सकते हैं नी दा नी रे सा। धुन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा नी रे गा नी रे सा नी रे गा मा पा मा ध सॉरी नी रे गा मा पा मा ध नी द पा सा नी द पा मा ग रे सा। कुछ भी बना सकते हैं आप नी रे ग रे नी रे सा नी द नी रे सा नी रे ग म प म द नी द प। प म ध प म प ग म द नी म द नी नी द प म ग रे सा। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बजा सकते हैं लेकिन एक बार आपको ये स्वर संगतियां माने ये राग के चलन को दर्शाती हैं कि राग किस हिसाब से चलता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं नी रे सा नी रे गा रे मा रे गा मा पा मा द पा मा द नी मा द म नी ग म ग नी द प नी रे ग म नी रे ग म रे म ग ग म प ग म प ग म प ग म प ग म प रे सा नी रे ग म प म द नी द प प म द प म द ग म द नी म द नी नी द प म ग रे सा। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में मैं और किसी राग के विशेष स्वर संगतियां लेकर के बताऊंगा आपको ताकि आपके काम आएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया आप लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार आपका दिन शुभ हो।